मम्मा ने एक चॉकलेट भी नहीं दिता, सारे आप ही खा गए। ओ मेरा बच्चा। पिट्टू पुत, तू अंदर जाके खेल, मैं आनी है, ठीक है? हाँ जी, दसो। बड़ी खुशी मनाई जा रही है घर वाले मरे दी। चार दिन नहीं हुए तुहाडे घर वाले मरे नू, बड़े नच रहे हो, हस रहे हो, सब भुल गए? मतलब जिस पति विच तुहानू परमेश्वर दिखदा सी, जो बहुत मुहब्बत करदा सी, उहदी मौत नू इन्नी छेती किदां भुला सकदे तुसीं? गम भुलदे नहीं साहब जी, भुलाउणे पैंदे आ। हुण की करां, बच्चे दे करके हसना भी पैंदा, खेडना भी पैंदा, ते नचना भी पैंदा। इहनू किवें दसां वी प्यो मर गया इहदा, जिहदी लाश भी नहीं लभी हले तक। वो तो रहे नहीं, मेरे कोल तो सिर्फ यही है। मैं इहदे मासूम मन नू कोई सदमा नहीं देना चाहुंदी। तुसी भी ना आया करो तो चंगी गल है। क्यों? वर्दी वालियां तो डरदे हुंदे आ बच्चे। डरना भी चाहिए पर बच्चों नूं नहीं, कातल नूं। वो जिन्ना मर्जी भज ले, जिन्ने मर्जी सबूत मिटा ले, पर बचदा नहीं। साहब जी, एक गल पूछनी सी। मेरी विधवा पेंशन कदों लगू? साड़ी विधवा पेंशन दी की होया जनाब? इकड़ा साला कोई सबूत नहीं मिल रहा, ते ना कोई गवाह। साड़ी समझ नहीं लगती, करिए की ते ना की करिए। पर जो भी आ, कतल भावें किसी ने भी किया होवे, पर ये जनानी जरूर शामिल है इस कतल च, क्योंकि जिस हिसाब नाल गल कर रही थी ना, उस हिसाब नाल जुबान तैली लगी मैनू, पर दिमाग साला कोई होर चला रहा पिछे। जनाब, सारा मामला ना एक्स्ट्रा चक्कर दा हुंदा जी। की मतलब तेरा? मतलब जनाब, एक्स्ट्रा चक्कर दा मतलब हुंदा वा रिलेशनशिप। ते इहदा पक्का का किसे दे नाल ना टांका फिट होना जे। इहदियां करतूतां तो दुखी होके इहदा घर वाला शराब पींदा होना, ई अपने आशक नूं मिलणों नहीं हटदी होनी, ओ इहनूं फेंटी चाड़दा होना। बिल्कुल जनाब, हुण इहदा कोई आशक दीवाना आ जिहड़ा जिन्ना भी कांड आ ना, इह कीता भी उसे कंजर ने होना जे, ते हुण भी इहदे विच उही बोलन दिया। जनाब, तुसीं ओह गाना नहीं सुणिया? किहड़ा? तू नी बोलदी रकाने, तू नी बोलदी, तेरे च तेरा यार बोलदा। साले है तो तुसी सिरे ते फुद्दू, पर पहली बार कोई चंगी गल की तुसी लाख रुपये की। चलो फिर ये आशकी लभदे हैं, चला गड्डी लो जी।
सरप्राइज। गुड मॉर्निंग। तू? यस मैं। तू इत्थे किवें? कैब दे। की मतलब? जे मैं मर जांदा तो इन्नी जोर दी मारे? चंगा हुंदा जे मर जांदा। सूटकेस च पाके ना किसे गंदे नाल च सुट्टा हुंदी। नाले जेड़ी तू मेरे नाल कीती सी ना उहदे लई तैनूं डंडा नहीं गोली मारनी बंदी सी। गोली? ਉਹਦਾ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਆ ਦੇਖ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਪੂਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕੀ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਰੀਟੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੰਗਲੀ ਵਾਂਗ ਰਹਿਣਾ ਤੂੰ। ਮੇਰੇ ਸਮਾਨ ਨਾ ਛੇੜਿਆ ਕਰ ਇੱਕ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਆਇਆ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੂਰੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਗਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਭਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਆਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਤੇਰੀ ਫੋਟੋ ਛਾਪਤੀ ਭੰਗ ਮਲਦੇ ਦੀ। ਦੱਸ ਕੀ ਕਮੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ 'ਚ? ਕਮੀ? ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਰੀਟੇਟ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਦੀ ਬੁੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਅੱਛਾ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਂ ਮੈਂ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਰੀਟੇਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਆ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਉਹੀ ਸ਼ਾਨੂ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰੋਲ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀੜੇ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਮੈਥੋਂ ਮਨ ਭਰ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਰਦਾ? ਤੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਵੋਮਕੇਸ਼ ਬਖਸ਼ੀ ਵੇਖੀਏ ਡਿਸਕਵਰੀ ਚੈਨਲ ਤੇ? ਨਰ ਤੇ ਮਾਦਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ? ਦੱਸ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਸ ਨਾਨੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਘੱਟ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਐਨਕਾਂ ਬਣਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੇਜ਼ਰ ਪਵਾਲਾ। ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਅਸੂਲੀ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ। ਆ ਮਸ਼ੀਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਦੀ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਦੀ ਬਣਾਲਾ? ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਕੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਾ ਲਵਾਂ। ਛੱਡੋ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਪਾ ਲੂੰਗਾ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਗੁੱਸਾ ਕਾਹਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਲੇ ਹੈ ਹੀ ਫੁੱਦੂ। ਜੀ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ, ਧਾਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤਾ? ਉਹ ਜਨਾਬ ਚੀਖਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਖਾਂ? ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਚੀਖਾਂ ਦੀ? ਉਹ ਜਨਾਬ ਚੀਖਾਂ ਤੇ ਚੀਖਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਚੀਖਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸੁਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ? ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਆਲਾਪ ਮਾਰਿਆ ਹੋ? ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਬਾਹਲਾ ਬੀਜੀ ਬੰਦਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਧਾਗਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਜਿੰਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸੀ ਮੈਂ ਦੇ ਤੀ। ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਸੁਲਝਣ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭ ਲਿਆ ਜੇ। ਕੀ ਲੱਭਿਆ ਹੱਲ? ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਥੁੱਕ ਲਾ ਲਓ, ਸਿੱਧਾ ਅੰਦਰ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕੱਲਾ ਤੇਰਾ ਢਿੱਡ ਹੀ ਮੋਟਾ, ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਮੋਟਾ। ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰ, ਸਿੱਧਾ ਖੜੇ ਹੋ। ਧਾਗਾ ਪਾ ਆਪਣਾ, ਗਲੂਕੋਹਲ ਵਾ ਦੋ ਚਾਰ, ਸਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਜਨਾਬ। ਬੇਟੇ ਤੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜੇ? ਜੀ ਸਰ ਮੈਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਕਬਾੜੀ ਸਾਹਿਬ। ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਇਹ। ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਸੱਚ ਸੱਚ ਦੱਸ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਖਿਆ? ਆਪ ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਕਬਾੜੀ ਸਾਹਿਬ। ਪੈਟੀ ਦੀ ਸਾਂ? ਪੈਟੀ ਦੀ ਕਸਮ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਕੂਲ ਕੂਲ ਉਹ ਕੂਲ ਹੀ ਹੈਗਾ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਤੇ ਭੈਣ ਦੀ ਚੁੱਡ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਐਡਿਟ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਐਡਿਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲ, 3 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ। ਠੀਕ, ਚੱਲ ਹੁਣ ਜਾ, ਤੂੰ ਘਰ ਚੱਲ, ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਚਲੋ ਚਲੋ।
पसीन पत्रकारी दे नाते तब्बा पिकाऊ रिश्वतखोर कपाड़िये दा कुत्ता। गुड मॉर्निंग बाबू जी। की हाल जे वसीन तेरा? कृपा जनाब दी, और दसो। और किस तरह ना होया? ए भौंगा जा किमें आया सी? कोई कम दी चीज दे के गया के नहीं? ओए स्टोरी दे ना आया सी मैनू। स्टोरी मैं इस तो लंदा पिया ने। भैन चो परे नु पता कौन ये चीज की है? ए भोसड़ी दा हैगा प्योर ब्लड क्लान। इसनु भैन चोद नु पता ही नहीं कि ये की लिख के गया। इस दी स्टोरी मैं पढ़ी ते भैन चो इन्नी रियलिस्टिक स्टोरी है कि मेरे चुतड़ फट गए ने। अच्छा, तू एक काम कर। हाँ जी। इस भैन चोद दे पोस्टर बना, स्टोरी लिख इस ते, ते पूरे शहर दे विच लवा छड़। ठीक है जी। जिन्ना जलील होवेगा भैन चो उन्ना वधिया लिखेगा। ठीक है। एक बारी मेरे कोल पूरी किताब आ गई, एदी गेम खत्म करवावांगा, अपने नाम उत्ते किताब छापांगा। KL कपाड़िया, पंजाब दा इकलौता क्राइम थ्रिलर दा राइटर, KL कपाड़िया साहब, भैन दी चुड। मौत दे मसीहे शराप है, सारे तो सुचा पुन पाप है। चंदरी ब्याज मेरी खून दी, मांग दिया जलमा च चूम दी। दोषियां नू बली उते चाड़ के, कातली हिसाब कदों लैणगे। जे सोचेगा के लोक की कहणगे, तैनू जिंदगी ना शिकवे ही रहणगे। जे सोचेगा के लोक की कहणगे, तैनू जिंदगी ना शिकवे ही रहणगे। तस्वीर दी बड़ी दिलचस्पी दी चीज है, कतलां दा चस का लजीज है। नूर तैनू चंबड़े परेत जो खंजरां दे नाल कदों खैणगे। जे सोचेगा के लोक की कहणगे, तैनू जिंदगी ना शिकवे ही रहणगे। जे सोचेगा के लोक की कहणगे, तैनू जिंदगी ना शिकवे ही रहणगे। शमशान दा पापियां दे पाप नू सलाम है, पाप बिना पापी भी हराम है। सिवियां दी महफिल जो पूज दे, मर के सदा ही जांदे रहणगे। जे सोचेगा के लोक की कहणगे, तैनू जिंदगी ना शिकवे ही रहणगे। हाँ जी। नमस्ते वसीन साहब, गल करनी सी जी। दसो। भाई जी गल करनी सी, जोमैटो की डिलीवरी नहीं। ओके आ जाओ। मैनू पता तू की गल करना है, पर यार के ये मेरा के साहब, पत्रकार साहब, के साहब, okay. रिस्पेक्ट। ओके ओके। ओह जी शुक्रिया। पर के साहब, ये मेरा पेशा है। बिल्कुल। खबरां बनाउणियां ते खबरां लिखणियां, ये मेरी रोजी रोटी है जी। तुसीं एक लेखक हो, चाहे फ्लॉप ही सही, पर एक पब्लिक फिगर हो, है ना? मेरा हुण जे मैं इहदे च कुछ गलत छापिया है तां दसो। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। एग्जैक्टली।
मैं थोनू एक गल करा। दसो। थोड़ी गल मैं मान ली, हुण तुसी मेरी मनो। एक सेकंड। फिर मैंने दस्यो ये गलत है कि सही है। बेस तो फड़ के जी स्ट्रॉन्ग है मनाली का समान है। एक गल दसा। हाँ तुसी जमा लंडू बंदे हो, आते तुहाडियां किताबां भी लंडू हुंदियां। आ पढ़ी मैं की ना है उहदा 12 बोर कुछ 32 बोर कैंडल। हाँ हाँ 32 बोर कैंडल। यस जमा लंडू किताब है। के साहब लंडू बंदे ते लंडू किताबां थोड़े नालों दसवीं के जवाक ज्यादा वधिया लिखते ने। कैन आई गेट अ एश्ट्रे? हाँ श्योर। बत्ती बोर कैंडल जमा लंडू किताब है। लंडू बंदे ते लंडू किताब थोड़े नालों दसवीं के जवाक ज्यादा वधिया लिखते ने। हाँ एक गल होर सुनो के साहब। हाँ जी। तेनू याद है एक बार तेरे पोस्टर लगे सी पागल कुत्ते दे नां दे? हाँ लगे सी। वो पोस्टर भी मैं ही लगवाए सी। अच्छा। तेनू पागल कुत्ते दे नां ते भी मैं ही मशहूर किया सी ते तेनू हुण भी मैं ही फेमस किया। साड़िया नहीं तेनू इत्थे किसने जानना सी पागल कुत्ते। तेनू पागल कुत्ते दे नां ते भी मैं ही मशहूर किया सी ते तेनू हुण भी मैं ही फेमस किया। हेलो हेलो माइक चेक 1 2 3। हेलो क्या जर्नलिज्म बिकाऊ दले रगड़ के माल पीने वाले तेनू नशेड़ी लगते
ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਸੰਤ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਲਿਖਣਾ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਪੇਸ਼ੇ ਸੇ ਤੋ ਹਮ ਅੰਡਰਟੇਕਰ। हेलो इंस्पेक्टर साहब,